हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शकील अली ब्लॉग्स पे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं इन दिनों पुर्तगाल में हूं और पुर्तगाल में रहने के बाद आपको यूरोप की अलग अलग कंट्रियों के बारे में बताता रहता हूं, किस तरह से आपने ऑनलाइन जॉब अप्लाई करनी है, किस तरह से आपने यूरोप आना है। तो आजकल आपको सबको पता है कि पुर्तगाल में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय, और हमारी होम कंट्री में भी, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, या आप कोई गल्फ में हैं, दुबई, सऊदी, कतर, बहरीन, कहीं पर भी, हर बंदे की जुबान पे एक ही नाम है, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग कैसे जाएं, लग्जमबर्ग में जॉब कैसे लें, लग्जमबर्ग में हम किस तरह से सेटल हो जाएं। क्योंकि रीज़न भी एक और बहुत बड़ी बात है ना, लग्जमबर्ग में आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा सैलरियां मिलती हैं वहाँ। मिनिमम टू मिनिमम बंदा आराम से 1500 यूरो से लेके 2500-3000 यूरो ईजिली बना लेता है, जो इंडिया का अच्छा खासा 2-2.5 लाख रुपये बन जाता है। मैं इंडिया के हिसाब से बता दूँ, आप जिस कंट्री से हो वहाँ से कैलकुलेट कर लेना। तो हर बंदा चाहता है, यार मैं ना कैसे भी करके लग्जमबर्ग चला जाऊं, वहां पर जॉब ले लूं, भले ही वो ऑफलाइन हो, भले ही वो ऑनलाइन हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने वहां पर जॉब लेनी है, ठीक है, कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट एजेंसी हैं जो आपको प्रोवाइड कर सकती हैं, या कौन सी ऐसे ऐसे फील्ड हैं जहां पर आप इजीली जॉब ले सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर दूंगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि देखें यहाँ पर ना कौन कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो को यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कौन कौन से ऐसे काम हैं, कौन कौन से ऐसे एजेंसीज हैं, कौन कौन सी ऐसी कंपनी है, उन सबकी यहाँ पर मैं लिस्ट लगाऊंगा, स्क्रीनशॉट लेते रहना। तो दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पर जो लग्जमबर्ग में टॉप रिक्वायरमेंट एजेंसी हैं, लास्ट में मैं आपको उनके बारे में भी बता दूंगा कौन कौन सी एजेंसी हैं, कि उनके थ्रू भी आप यहाँ पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको जो कंपनीज हैं उनके बारे में बता दूं, जो कौन कौन से ऐसी डिमांडेबल काम हैं। तो सबसे पहले जो मैंने ऊपर रखा है, कोरियर कंपनी है। कोरियर कंपनी में देखें आपको स्टोर कीपर की डिलीवरी, जो पैकेज होते हैं उनको डिलीवर करने का, और वहाँ पर सुपरवाइज़र की, मैनेजर की, अकाउंटेंट की, हर एक तरह की वहाँ पर जॉब्स होती हैं, आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो कंपनीज हैं, कोरियर टॉप कंपनीज हैं, मैंने यहाँ पर स्लाइड लगा रखी है, साइड में आप वहाँ से देख सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेके इन कंपनियों पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है आपकी एग्रीकल्चर कंपनी। जो भाई एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे आपको पता है कि फल तोड़ने का काम है, फूल तोड़ने का काम है, वहाँ पर ट्रैक्टर ड्राइवर की ज़रूरत है, और आपको फसलें मतलब इकट्ठी करनी है। तो एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड बंदे हैं वो सब ये काम जानते हैं, उनको सबको पता है किस तरह से क्या क्या काम होते हैं। तो इसमें भी आप ईजिली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी मैंने जो टॉप एग्रीकल्चर की कंपनीज है लग्जमबर्ग में, यहाँ पर उसकी भी यहाँ स्लाइड लगा रखी है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आपका फूड डिलीवरी। फूड डिलीवरी की मैंने बहुत सारी जो टॉप वहाँ पर ऐप्स हैं वहाँ पर, यहाँ पर देखें मैंने पूरी इसकी लिस्ट लगा रखी है, आप साइड में देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप अपनी प्रॉपर यूरोपा सीवी और कवर लेटर, एक बार फिर बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर अप्लाई करें। फूड डिलीवरी के काम में भी देखें, फूड डिलीवरी का काम है, यहाँ पर भी आपको सुपरवाइज़र की ज़रूरत होगी, कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत होगी, तो हर एक तरह की मैनेजर की ज़रूरत होगी, सुपरवाइज़र की ज़रूरत होगी, हर एक टाइप के यहाँ पर काम होंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर मैंने बता दिया फूड डिलीवरी। चौथे नंबर पे आता है वायर हाउस। ठीक है, वायर हाउस के अंदर जॉब्स बहुत सारी होती हैं। मोस्टली लोग जो दुबई, सऊदी, कतर, बहरीन, गल्फ में बैठे हैं, या हमारी होम कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी जो बंदे हैं, तो वो लोग भी इन बारे में पूछते हैं, यार सर जी मैं स्टोर कीपर हूँ, मैं वायर हाउस में काम कर चुका हूँ, मैं लॉजिस्टिक में काम कर चुका हूँ। तो इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर मैं इसकी पूरी यहाँ पर जो टॉप कंपनीज हैं उनकी लिस्ट लगा दी है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। वायर हाउस में देखें सभी तरह का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, स्टोर कीपर का, मैनेजर का, और ठीक है क्लर्क का, और वहाँ पर आपको सामान इधर से ऊपर, आगे से पीछे रखना, ऊपर रखना, नीचे रखना, तो मतलब हर तरह का काम वहाँ पर होता है। आप अलग अलग वहाँ पर भी जॉब्स होंगी, वहाँ पर दुनिया भर की जॉब्स हैं, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नंबर पाँच में आता है जो सबसे ज़्यादा टॉप में डिमांड में, यूरोप के अंदर आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, ठीक है, वहाँ सबसे ज़्यादा जॉब्स इसी फील्ड में होती हैं, होटल लाइन। देखें लग्जमबर्ग में भी इसी फील्ड में बहुत सारी जॉब्स हैं। जो टॉप वहाँ के होटल हैं उनकी पूरी लिस्ट मैंने साथ में लगा रखी है, आप यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर जाएं, यहाँ डायरेक्टली होटल पे जॉब अप्लाई करें। और होटल में आपको पता है, देखें कुक है, शेफ़ है, हाउसकीपिंग है, क्लीनर है, ठीक है, और रिसेप्शनिस्ट है, मैनेजर है, हर एक तरह की वहाँ पर जॉब्स होती हैं। तो जो भाई जिस फील्ड में है वहाँ पर जाके वो अप्लाई कर सकता है।
और इजीली लग्जमबर्ग में जॉब ले सकता है। पर इसके लिए जो जॉब अप्लाई करेंगे इसके लिए सिर्फ आपको यूरोपा सीवी और कवर लेटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, देखें सिंपली आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास आपको सिंपल आपका इन कंपनियों के थ्रू आपके अगर ऑफर लेटर मिल जाता है तो उसके बाद आपने NOC देनी होती है, ठीक है, पावर ऑफ अटर्नी जो कहते हैं वो देनी होती है वहाँ के एम्प्लॉयर को, वो पूरा पूरा वीज़ा प्रोसेस आपको करा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक पूरा प्रोसेस है। तो हेलो हाय, तो ये देखें पुर्तगीज बालक है और यहाँ पर वीडियो में देखने आया है, ओह गुड, सो एंजॉय कर रहा है ये। तो मैं कह रहा था देखें इस तरह से पूरा एक तरीका है, ठीक है, इस तरह से आप पूरा अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जो टॉप 5 यहाँ पर चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर लगा दी हैं, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि टॉप रिक्वायरमेंट एजेंसी मैं आपको बता दूंगा। देखें यहाँ पर सिंपली आप कई तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, वर्क इन लग्जमबर्ग अपने गूगल में सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी देखें पूरा सब कुछ आ जाएगा। बाकी यहाँ पर मैंने स्लाइड पूरी लगा रखी है, जो टॉप एजेंसीज हैं वहाँ पर रिक्वायरमेंट एजेंसी हैं यहाँ पर पूरी स्लाइड लगा रखी है, आप इनको भी चेक कर सकते हैं और इनके थ्रू भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाजिम लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और देखें सब्सक्राइब कर देते हो तो सर जी यार मेरा भी हौसला अफजाई हो जाती है, मुझे भी लगता है कि यार लोग मुझे ना मोटिवेशन कर रहे हैं कि सर जी चलो शकील सर आजकल यूरोप में हैं, पुर्तगाल में हैं। मेरा आगे प्लान है कि मैं अलग अलग कंट्रियों में जाके वहाँ पर किस तरह से आप इजीली जॉब ले सकते हैं, बड़ी वो बड़ी कंट्रियाँ जर्मनी है, फ्रांस है, आपका फिनलैंड है, ऑस्ट्रिया है, इटली है, इन कंट्रियों में जाके भी आप लोगों को बताऊं कि किस तरह से आप इजीली जॉब ले सकते हैं। तो दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।